जो भी कबूतरबाज है अच्छे से अच्छा कबूतर रखो, जी अपना शौक बढ़िया बनाओ। दूसरे कबूतरबाज पे नियत मत रखो, भाई ये ऐसे क्यों ले रहा है, ऐसे क्यों ले रहा है। ज्यादा करके मैं तो ये कहता हूँ अपने घर के बच्चे बनाओ, अपनी नस्ल बनाओ। दो भाई देखें कि भाई आपने नस्ल बना रखी। हेलो फ्रेंड्स, कबूतरों से मोहब्बत चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होश प्रथम गिरधर। आज हम आए सुनारिया गाँव में, रोहतक से 4 से 5 किलोमीटर दूर, और जिनके पास हम आए उनका नाम है सत्य अंकल, और ये हमारे साथ बैठे हैं सत्य अंकल। कैसे अंकल जी आप? बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा अंकल जी, हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज है आपका? हाँ, बस ये कहना चाहूँ जी, मतलब जो है मैंने लालबंद घाघरा का शौक है। हाँ जी। और मैं ये रखता हूँ आज से 10 साल से। तो हम चाहवा है कि भाई हमारे हरियाणा में इतनी बढ़िया नस्ल बने लालबंद घाघरा की, अगर लोग हमारे पास देखने के लिए आऊँ। बिल्कुल अंकल जी। और मैं ये चाह रहा हूँ भाई, जो भी भाई जो भी सुने तो ये नस्ल ने एक तैयार करें, आप अपनी तैयार करके दिखावा हमने कि भाई हमने ये नस्ल तैयार करी। तो हमने इस चीज़ का बड़ा शौक है। पहले मैं जो है असील पालता था, उसके बाद पहले फिर पंजाबी पाले, फिर मैंने इनका शौक है। तो वो जो मैंने पंजाबियों में अपना नाम कमाया था, हम यूँ सोचा भी लालबंद घाघरा में भी हमारा वही नाम, अब दूर दूर से भाई देखना होगा न्यू का। हाँ भी वाक्य में नस्ल ले है अभी अपने पास सारे लालबंद घाघरे, सारे के सारे को 8-10 कबूतर होंगे सफ़ेद हो रहे हैं। ये किसी ने किए बोले हैं, इनका मन थोड़ा और आगा कम शो ध्यान है। मोस्ट मेन अपने पास लालबंद, हाँ लालबंद घाघरे मेन है सारे, और इन्हीं का शौक है। मैं इतने को भाइया ने अगर भाई ये कबूतर बनाओ अच्छे, जो कर हमारे भाई पाकिस्तान में बना रहे। हाँ भाई छतरी, तो ऐसे कबूतर बिल्कुल वाइट गंडे हो, लीलापन हो, लीलापन हो, बिल्कुल वाइट वाइट टाइप। चलिए दोस्तों, अभी करते हैं अंकल जी के कबूतरों का शौक, बाकी मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। देखिए दोस्तों, ये पहली मादिन है अंकल जी के पास, ये देखिए शौक करिए इसका। हाँ, ये मेरे पास पहली मादिन है। हाँ जी, और बहुत अच्छी मादिन है, गंडे बहुत शानदार है इसके, बहुत ही प्यारे गंडे। हाँ, बहुत ही प्यारे गंडे हैं। इसके साथ नर लगा रखा हमने एक, ये देखिए ये नर है। अच्छा, ये इसका जोड़े हाँ, इसके जोड़े वाला नर है। हाँ जी, इसका हमने जोड़ा बना रखा है, बहुत ही बढ़िया। और इसका आपने इसके बच्चा भी दिखाएंगे इसके बाद। हाँ जी, एक बार इनकी आंखों का भी शो करवा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये जोड़ा है, गंडे चेक करिए, बहुत ही शानदार अंकल जी, प्रॉपर बहुत ही प्यारा जोड़ा है। अंकल जी, आपके घर के पट्टे ही है? हाँ, घर के पट्टे जी। तो अंकल जी, जो वाइट बार होते हैं ये उन्हीं में से ही है? हाँ, उन्हीं में से है, वही है, वाइट बार ही है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया अंकल जी, इनको ये नीचे इनके देखो, इसका पट्टा और दिखाता हूँ आपने, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा जोड़ा है ये है, इसी जोड़े का पट्टा ना? हाँ, इसी जोड़े का पट्टा है। देखिए दोस्तों, हाँ ये गंडे हैं। हाँ जी, बिल्कुल भगवान ने चाहा तो इसका लीला हो जाएगा। ये बच्चा अभी झाड़ भी शुरू नहीं करा है ना, बहुत ही प्यारा रिजल्ट है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। हाँ जी, बहुत ही शानदार। नीचे से दिखा दीजिए अंकल जी एक बार, देखिए दोस्तों, और बिल्कुल नीला है, और देखा हमने एक नस्ल और तैयार करी है लालबंद चांदना की। अच्छा, ये चांदनों की नस्ल है? हाँ, ये चांदने की, लालबंदों में से निकाले। ये तो नर है। हाँ जी, ये 10-10 परी चांदने? हाँ, 10 परी चांदना, 10 परी चांदने, बहुत ही बढ़िया। ये इसकी मादिन लखा रखी है इसके जोड़े में, इसके माँ बाप भी बैठे मेरे पास। एक बार नर छोड़ दीजिए, मादिन दिखा लेते हैं हम दोस्तों। अच्छा, नर छोड़ दो। हाँ जी, ये मादिन देखो, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इसके गंडे, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ये कहाँ से लाए थे अंकल जी जोड़ा आप? ये मेरे पास कहीं से एक मादिन आई थी कोई। अच्छा, काफ़ी साल पहले। हाँ जी, तो उसकी एक बच्ची है मेरे पास जी, उसने जिस टाइम पर कोई नया नर लगा उसने, वह शुरू में चांदने काटा है, सारे जितने काटा है। अच्छा। एक ही बार, दूसरा बच्चा नहीं काट गया, एक ही काट है चांदना, बहुत ही बढ़िया, एक जोड़ उससे बनाई हो रहा है, बहुत ही शानदार। देखिए दोस्तों, एक ये देखना जी अंकल, ये हमारे घर का बच्चा है।
अच्छा, ये आपके घर का पट्टा है? हाँ, ये घर का पट्टा है। हाँ जी। और ये नस्ल देखो कैसी है, इसमें तो दो राय है ही नहीं अंकल जी, आपके पास सारे ही कबूतर बहुत ही गजब है। हाँ, ये सारे कबूतर भगवान की दया से बहुत अच्छे कबूतर बना रखे हैं। हाँ जी। और ये गंडे देखो जी, और इसके साथ दूसरी माजन दिखाएंगे जी, जो इसके जोड़े में। हाँ, जोड़े की जो माजन और दिखाऊंगा जी आपने। बहुत ही बढ़िया, इसको छोड़ देते हैं। ये इसकी माजन है, ये बिल्कुल नीली। हाँ, ये नीली सफेद ऊपर पट्ठा है, शायद लीला और तार के लिया ना, पर ये पट्ठा है, मैं लूंगा इसका पट्ठा दिखाऊंगा मैं। हाँ जी। ये जो मालन है उस नर की, ये भी आपके घर की पट्ठी? हाँ, ये भी घर की बच्ची, इसके माँ बाप भी बैठे मेरे पास जी। बिल्कुल नीलापन है इसमें, बहुत ही साफ सुथरे गंडे हैं, बिल्कुल नीली, बहुत ही बढ़िया। हाथ मना रखता ना कभी? हाँ जी। छोड़ दीजिए। और एक चीज और पूछ रही थी अंकल जी आपसे, ये अंकल आप सेल भी करते हैं कबूतर या सिर्फ बहुत अपने शौक के लिए? बहुत कम को ज्यादा दुखी कर लेता, दे देता हूँ तो मैं देता ही नहीं अपने पास। ये है वो चांदनिया की माँ, जो एक बार कोई नर लगा जो इसके साथ कोई भी। अच्छा। ये एक जोड़ चांदनिया बच्चे देगी। अच्छा। कोई भी नर हो इसके साथ चांदने बच्चे। हाँ, एक 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 बार, एक बार चांदने बच्चे। हाँ, निकालते उसके बाद नहीं देगी। ये माजन है मेरे पास, ये भी घर की बच्ची है मेरी। अच्छा, इसका इसके साथ किसी भी नर को नए को लगाओगे तो एक बार चांदने बच्चे, एक बार चांदने बच्चे काट देगी। यह हुआ माजन, बहुत इसके साथ अभी यो नर लगाया था, यो नर लगा रखा है। अच्छा, ये नर लगा, ये भी आपके घर का पट्टा है? ना जी, ये लिया था कहीं बाहर से मिला। अच्छा, ये बाहर से, ये बाहर से मिला था, ये नर है। का पट्ठा लिया? नहीं भाई, चलो यो भी लिया, यो पट्ठा घर का। बहुत ही बढ़िया अंकल जी, छोड़ दीजिए। एक ये देखो जी। हाँ जी अंकल। कितना लीलापन है इसके अंदर है, ऐसे लीले कबूतर होने चाहिए। बिल्कुल अंकल। व्हाइट गंडा में कितना लीलापन है इस कबूतर बच्चे का, देखो ये भी मेरे घर का बच्चा है। अच्छा, ये भी घर का पट्टा? हाँ, ये भी घर का पट्टा है मेरे का। बहुत ही बढ़िया। इसके साथ का एक और छोटा लगड़ है, वो भी दिखाऊंगा आपको। हाँ जी। ये भी इसको देखो, हर एक चीज तक कितने से देखो, सिर से पूछ तक एक ही रंग है इसका। बिल्कुल लीलापन है, ऐसे लीले होने चाहिए। लाल बंद घाघरे जो है। हाँ जी। कबूतर का चेहरा सब देखिए दोस्तों। एक यो उसी के पिछली जोड़े का बच्चा। ये किस जोड़े का पट्टा अंकल जी? ये मेरे पास बैठा, वो पहले जोड़ा दिखाया था। अच्छा, उसका पट्टा है? उसका पट्टा है, ये जो दिखाया था बच्चा। हाँ जी। उससे अगली जोड़े का पट्टा ये है। बहुत ही बढ़िया अंकल जी, ये पट्टा भी बहुत प्यारा निकाल रखा है। ये गंडे देखो, चेहरा मोरा देखो इसका। हाँ जी, बहुत ही शानदार जी। देखिए दोस्तों, नीचे से भी दिखा दीजिए अंकल जी एक बार। बहुत ही बढ़िया। अभी झाड़ करेगा जब, देखिए उसका अब झाड़ तो बच्चे ने कली एक का गेरी है। हाँ जी। अब कली गेरेगा जब, तो एक महीने का पट्टा होगा अभी। हाँ, बस छोड़ दीजिए इसको भी। देखिए दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों गंडे, लाल बंद घाघरा हो गया। ये है लाल बंद घाघरा। हाँ जी, जो पटियाला टाइप पर है वो। किस टाइप का अंकल जी? पटियाले, पटियाले नहीं बोलिया अगर जो कबूतर पटियाले। हाँ, पटियाले। अच्छा, उस टाइप का कबूतर है, बड़ा लंबा ठाडा कबूतर है। हाँ जी। गंडे भी शानदार हैं इसके जी अंकल, और बहुत ऊंचाई इस कबूतर की। बाकी कबूतरों से कदकाठी इसकी ज्यादा बेटर है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। बहुत ही बढ़िया। एक इसकी पट्टी दिखाऊं? देखिए दोस्तों, एक इसकी बच्ची है। अच्छा, एक ही जोड़ काट है, वो भी घर का पट्टा वैसे तो। हाँ जी। हाँ, ये उस बच्चे की बच्ची है, ये भी बड़ी शानदार काट रखी है। हाँ जी। अभी झाड़ शुरू नहीं हुआ है, दो दो तीन तीन कली गेरी है अभी तक जी। और जो है बहुत शानदार बच्ची है ये, इसका रंग बिल्कुल नीली है जी। बहुत बढ़िया। एक और है, एक ये बड़े लीलेपन पर कबूतर है,
ये भी हमारे घर का बच्चा। मोस्टली अंकल जी सारे घर के बच्चे ही आपके? तकरीबन मेरे पास एक दो कबूतर हैं उनके बच्चे हैं। अच्छा, सारे ही घर के बच्चे हैं। ये भी बड़ा शानदार कबूतर है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बच्चे काट है, बहुत शानदार बच्चे। एक ये कबूतर की मादी है, ये भी घर की बच्ची है मेरी। अच्छा, जो भी लास्ट दिखाया था जो लास्ट कबूतर दिखाया उसके जोड़े की कबूतरी है। अभी झाड़ मारी है बहुत ज्यादा। हाँ जी, रंग रूप थोड़ा है, ठीक दिखाई नहीं दे रहा इसका। बहुत बढ़िया शानदार है, बहुत ही प्यारी कबूतरी है। हाँ, लीले बच्चे का डक बिल्कुल। ये हो गया। देखिए दोस्तों, गंडे घंटे देखिए, ये बाकी कुछ कबूतर ऊपर बैठे हैं, बाकी अभी नीचे उतरते हैं तो आपको शौक कराते हैं कि कबूतरों का पास से। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे इनके अंदर घर के पट्टे भी हैं, और बाकी अंकल जी कबूतर उड़ा के दिखाएंगे अभी हमें। उड़ाऊं? हाँ जी अंकल जी, कर दे शुद्वीर बन। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे उड़ा दिए अंकल जी ने कबूतर। सारे घाघरे लाल बंद है, एक भी दूसरा कबूतर नहीं है इनमें। देखिए बहुत ही शानदार, सारे के सारे जंगली कबूतर है। और अंकल जी बता रहे हैं तो 10-10 मिनट गायब भी हो जाते हैं, बाकी अभी थोड़े से झाड़ पे है। बाकी अंकल कह रहे हैं ये तो 10-10-15 मिनट रोज तक पूरा छांड के आते हैं कबूतर है, सारे के सारे जो भी इनके घर के पट्टे हैं। बहुत ही बढ़िया, आज ये छेकड़े हैं। हाँ जी, वो भीतर टरिया दरिया दाने की बाना देखी। आ जाएंगे, आते सारे आ जाएंगे। कोई देखिए दोस्तों, डाल लूंगा गंडे चेक करिए दोस्तों, पास से शो कराता हूँ आपको। देखिए देखिए, सारे के सारे घाघरे लालबंद, और सभी बहुत ही प्यारे गंडे हैं सभी कबूतरों के। देखिए चेक करिए पास से, वाह जी वाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। देखिए वो चांदना चेक करिए, जर्द गंडों का 10-10 परी चांदना। देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कबूतरों के कैसे गंडे हैं, कैसे कैसे कबूतर है, अपनी राय दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। देखिए बताइए, राय दीजिए। देखिए ये पट्टा चेक करिए, देखिए बिल्कुल नीला और पीले गंडे, चेक करिए बहुत ही शानदार। ये देखिए, सारे के सारे बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारे गंडों के। ये देखिए, ये चांदनी होगी लालबंद, ये देखिए, ये पट्टे को थोड़ी फुंसी वगैरह हो रही है तो अंकल ने इसको दवाई वगैरह लगा रखी है। बाकी एक ये पट्टा हो गया, देखिए सारे के सारे इनके घर के पट्टे हैं। मोस्टली सभी के सभी घर के पट्टे हैं, 2-3 जोड़े इनके आए हुए हैं, बाकी सारे ही घर के पट्टे हैं, और सारे के सारे जंगली। बाकी दोस्तों, इनमें से कोई भी कबूतर सेल का नहीं है तो कमेंट बॉक्स में या मुझे
कॉन्टैक्ट ना ही करिएगा कि कोई भी जोड़ा दिलवा दीजिए या नर दिलवा दीजिए, क्योंकि अंकल जी से मैंने पूछा तो अंकल जी बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी सेल करने का इनमें कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इनमें कुछ भी सेल का नहीं है, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप सिर्फ कबूतरों का शौक करिए, बाकी सेल की वीडियो आएगी तो हम आपको अलग से बना के दिखाएंगे। ये सिर्फ शौक की वीडियो है। अब बस कबूतर देखिए कि हमारे रोहतक शहर में भी कितने अच्छी अच्छी नस्लें रख रखी है। शौक करिए बाकी कबूतरों का। देखिए दोस्तों ये टोटल सारे के सारे घाघरे लालबंद सारे ऊपर बैठे हैं। देखिए सारों का साथ में शो करिए, बाकी कुछ नीचे गए। जितने दिखा सकते उतने तो देखिए दोस्तों। देखिए देखिए इस नर का शो करिए, चला गया वो, बहुत ही प्यारे घंटे थे उसके भी। सभी कबूतरों के बहुत ही प्यारे गंडे हैं, बहुत ही शानदार। चलिए दोस्त अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये शौक था सत्य अंकल जी का सुनारिया गांव से। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।